किए गए हैं। उनकी जानकारी देने के लिए हमारे महामंत्री और सांसद जगत प्रकाश जी नड्डा हमारे साथ उपस्थित हैं। अगर आप सब लोग तैयार हैं तो हम शुरू करें, नहीं तो दो मिनट हम इंतजार कर सकते। शुरू करें जगत प्रकाश जी, दो मिनट रुकना है। देखिए आप में भी एक सहमति नहीं हो पाती है। मित्रों अभी आर्थिक प्रस्ताव के पश्चात संगठनात्मक विषय पर भारतीय जनता पार्टी का अंतिम सत्र रहा है और इस सत्र को हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रामलाल जी ने संगठन के विषयों पर चर्चा की और उस चर्चा के में एक संवैधानिक और संविधान में संशोधन के दृष्टि से इस सत्र में प्रस्ताव एक पारित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 34 के तहत अंडर आर्टिकल 34 ऑफ द भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए हमारे पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा जिस प्रस्ताव के तहत अध्यक्ष की कार्यकाल के बारे में द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी जो धारा 21 धारा 21 में निहित है उसमें परिवर्तन करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किया। संशोधन इस प्रकार से है कि जो पहले का प्रोविजन था वह है यानी वर्तमान प्रावधान एग्जिस्टिंग क्लॉज इज लाइक दिस, कोई सदस्य एक पूर्ण सत्र विच इज ऑफ 3 years 3 साल का से अधिक बार लगातार अध्यक्ष पद ग्रहण नहीं करेगा। एनी मेंबर ऑफ द पार्टी फॉर 1 full term विच इज ऑफ 3 years विल नॉट कंटिन्यूअसली मोर देन 1 term। इसको इस प्रस्तावना को में संशोधन किया गया और प्रस्तावित संशोधन जो था वो इस प्रकार से था कि कोई सदस्य 2 पूर्ण सत्र, पहले था 1 पूर्ण सत्र 1 full session, अब परिवर्तन किया गया कि कोई भी सदस्य एनी मेंबर फॉर 2 full terms कंसिस्टिंग ऑफ 3 years ईच से अधिक विल नॉट कंटिन्यू एज ए प्रेजिडेंट मोर देन 2 terms। वह 2 पूर्ण सत्र 3-3 वर्ष के से अधिक बार लगातार अध्यक्ष पद ग्रहण नहीं करेगा। सो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में परिवर्तन किया गया है और इसके एनेबलिंग कॉज में ये प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पर भी लागू होगा। इसकी प्रस्तावना पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने रखी और इसको समर्थन इसको सेकंड किया पूर्व अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू जी ने और इसको फुल हाउस का समर्थन मिला और ध्वनिमत से सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया गया। 2 अनाउंसमेंट्स और हैं कि इसके साथ साथ हमारा इलेक्शन प्रोसेस भी प्रारंभ होता है और उसके लिए सर्वसम्मति से प्रोफेसर बाल आप्टे जी ने और किरण महेश्वरी जी ने श्री थावरचंद गहलोत हु इज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा फॉर्मर लोकसभा मेंबर एंड ए मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट आल्सो, श्री थावरचंद गहलोत जी ने को चुनाव अधिकारी घोषित किया गया सर्वसम्मति से।
और अब हमारी नई सदस्यता भी प्रारंभ होगी। उस नई सदस्यता के प्रारंभ के लिए सदस्यता प्रमुख हमारे राधा मोहन सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी भी हैं, वो सदस्यता प्रभारी के रूप में काम करेंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ इलेक्शन का प्रोसेस भी प्रारंभ हुआ और इस एनेबलिंग क्लॉज में परिवर्तन के साथ प्रस्तावना को ध्वनिमत से पारित किया गया है। नहीं, इसमें कोई चर्चा नहीं हुई, ध्वनि मत से इसको पारित किया गया। सब लोगों ने अपने पूरे जिसको कहते हैं कि हृदय से इसका समर्थन किया है। उसमें भी राष्ट्रीय कार्य समिति ने यह कहा कि इलेक्शन का प्रोसेस प्रारंभ किया जाए एंड वे नॉट वेट फॉर द नेशनल काउंसिल। प्रसाद जी, सवाल यह है कि यह जो प्रोसेस है पूरी कैन बी द नेशनल एग्जीक्यूटिव हैज टेकन दैट द इलेक्शन प्रोसेस शुड स्टार्ट विद दिस प्रोविजन। सर सुनिए, यहां पर इट विल बी डन रेटिफाइड लेटर। सवाल यह है कि यह जो अमेंडमेंट किया गया है ये कौन से पद से लेकर, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर वार्ड अध्यक्ष के लिए है? एनेबलिंग क्लॉज में प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, अच्छा, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स फॉर 3 years ईच। धन्यवाद। दिसंबर महीने तक। सभी लोगों ने समर्थन किया, ध्वनि मत से समर्थन हुआ, सब लोगों ने समर्थन किया। जहां तक सवाल है, संविधान में परिवर्तन जो होता है वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ होता है और उस ऑब्जेक्टिविटी की दृष्टि से संविधान में संशोधन हुआ है। संगठन को सुविधा अनुसार चलने के लिए यह प्रावधान किया गया है। इट इज ए ऑब्जेक्टिव डिसीजन और हमने ये पहले भी चेंजेस किए हैं। पहले 2 टर्म था, बीच में 1 टर्म हुआ। अब एक्सपीरियंस के साथ हम लोगों को यह महसूस हुआ कि 2 टर्म होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।